तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत और आपका स्वागत है टीवाईजी सॉफ्टवेयर गुरु के बिल्कुल फ्रेश टू कमाल के सभी सूट के अंदर। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रियलमी C3 वर्सेस रियलमी C11 के बारे में। आप सबको पता होगा कि रियलमी ने हाल ही में अपने एक न्यू फ़ोन को अनाउंस किया जिसका नाम है रियलमी C11। इसके लेके यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो बन चुके हैं दोस्तों, काफ़ी लोग अभी भी इसको लेके वीडियो बना रहे हैं। एंड काफ़ी लोग भैया इस फ़ोन का अभी से वेट करने लगे क्योंकि ये फ़ोन आपका एक बजट फ़ोन है जो कि बहुत ही कम प्राइस में आपको एक गेमिंग प्रोसेसर साथ देखो मिलने वाला है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी फ़ोन के बारे में, जानेंगे कि भैया इन दोनों में से कौन से फ़ोन बेस्ट है आप लोगों के लिए, कि आपको क्या करना चाहिए, आपको लेना चाहिए रियलमी का C3 या फिर आपको वेट करना चाहिए C11 के लिए। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ऑफकोर्स लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट कर लो ताकि आप हमारे आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन को कभी मिस ना कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें इन दोनों ही फ़ोन्स के बारे में, मतलब कि रियलमी C3 वर्सेस C11 के बारे में, दोस्तों स्टार्टिंग करते हैं हम इन दोनों फ़ोन के डिस्प्ले के साथ। दोस्तों, अगर आप डिस्प्ले की बात करते हो तो बता दूं दोनों ही फ़ोन में आपको इक्वल डिस्प्ले मिलता है। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही फ़ोन में आपको 6.5 इंचेस का HD+ वाला डिस्प्ले मिलता है जो कि आपका बेस है 270 PPI पर, और एक IPS LCD वाला पैनल, मतलब डिस्प्ले का इस दोनों ही फ़ोन का काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी बड़ा है। एंड दोस्तों, बात करें दोनों फ़ोन के प्राइस के बारे में तो बता दूँ आपका जो रियलमी C3 का प्राइस है वो है दोस्तों इस वक्त आपका करीबन 9000 रुपीज़, जिसमें कि आपको देखने को मिलती है 3 GB रैम और 32 GB की इंटरनल मेमोरी। वहीं आपका जो रियलमी C11 का प्राइस रहने वाला है वो दोस्तों होने वाला है करीबन आपका 7000 रुपये, 2 GB रैम और 32 GB की इंटरनल मेमोरी की। मतलब अगर आप प्राइस वाइज देखते हो तो आपका जो रियलमी C11 है वो ऑफकोर्स आपका एक बजट है, बजट फ़ोन में आता है क्योंकि उसका प्राइस ऑफकोर्स आपका थोड़ा सा कम एंड काफ़ी अफोर्डेबल फ़ोन हो जाता है आपका रियलमी C11। एंड दोस्तों, बात कर लें इन दोनों फ़ोन के हम लोग ऐसा कि कैमरे के बारे में तो बता दूँ, जहाँ आपको रियलमी C3 में मिलते हैं 12+2 MP के डुअल प्राइमरी कैमरा, साथ में एक LED फ्लैश है। वहीं आपको रियलमी C11 में मिलते हैं 12+5 MP के डुअल प्राइमरी कैमरे, साथ में एक LED फ्लैश। बात करें फ्रंट कैमरे के बारे में तो बता दूं, जहां आपको रियलमी C11 में मिलता है 8MP का फ्रंट कैमरा जो कि आपका वाटर ड्रॉप नॉच के ऊपर आता है, वहीं आपको रियलमी C3 में मिलता है 5 MP का फ्रंट कैमरा जो कि आपका सेम वही डॉट नॉच या फिर वाटर ड्रॉप नॉच के ऊपर आता है। एंड दोस्तों, कुछ बात हम लोग वीडियो के एंड में करेंगे तो ऑफकोर्स आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना। एंड दोस्तों, बात करें दोनों फ़ोन के बैटरी बैकअप के बारे में तो बता दूं, दोनों ही फ़ोन में आपको 5000 mAh का बैटरी बैकअप मिलता है जो कि आपका फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता दोनों ही फ़ोन का। एंड दोस्तों, बात करें अगर हम इन दोनों फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में तो बता दूं, जहां आपको रियलमी C11 मिलता है मीडिया टेक का हेलियो G35 वाला प्रोसेसर जो कि आपका बेस है ऑक्टा कोर के ऊपर, वहीं आपको रियलमी C3 में मिलता है मीडिया टेक का हेलियो G70 वाला प्रोसेसर जो कि आपका बेस है ऑक्टा कोर के ऊपर। अब ऐसे भैया कौन सा फ़ोन बेस्ट है? तो दोस्तों, ऐसे में भाई एक तो नो डाउट कि जो आपका रियलमी C11 है वो आपका बेटर है एज़ कम्पेयर टू C11, क्योंकि जो उसका प्रोसेसर है वो ऑफकोर्स पावरफुल है, पर अगर आप प्राइस वाइज देखते हो तो जो आपका C11 है वो भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है एंड एक अफोर्डेबल फ़ोन है। एंड दोस्तों, एक बार आपको बता दूं कि भाई ये वीडियो है गाइस पूरी र्यूमर पे बेस है, मतलब कि जो फ़ोन को लेके जो कंपनी ने आपकी र्यूमर दी है या फिर जो एक्सपेक्टेशन है फ़ोन से उसकी पर बेस है, मतलब कि जो फ़ोन की स्पेसिफिकेशन है वो अभी तक ऑफिशियली नहीं है, वो केवल एक र्यूमर है। सो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा सीरियसली मत लेना। बट दोस्तों, अगर जो रियलमी C11 की स्पेसिफिकेशन 100 में 98% ऐसे ही होने वाली है दोस्तों, हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है एज वेल कैमरे में थोड़ा सा, बाकी सब कुछ सेम है। सो दोस्तों, ऐसे तो भैया मैं बात करूं जो आपका रियलमी C11 है वो कैसे आपका प्राइस वाइज काफ़ी अच्छा है दोस्तों, जो उसका प्राइस है ऑफकोर्स काफ़ी कम है, मतलब अगर 7000 मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बट दोस्तों, अगर आप एक अभी ऐसा फ़ोन लेना चाहते हो जो कि आपका अफोर्डेबल है तो ऑफकोर्स आपका रियलमी C3 बेटर है। अब डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि भैया आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। बट दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग ना आपका जितना बजट है, आपका बजट अगर मान लो 9000 तक है तो ऑफकोर्स मैं आपको C3 लेने के लिए बोलूँगा। बट अगर आपका बजट कम है तो मैं कहूँगा तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो C11 के लिए। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि भैया आप लोगों को क्या लगता है इस न्यू रियलमी C11 के बारे में, आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन हिट करो ताकि आप हमारे आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन को कभी मिस ना कर पाए। तो मिलेंगे ऐसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।